नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। व्यापार के बाद अब क्रिकेट से भी कम होगी दोनों देशों की करवाहट, कहा मोहम्मद इरफान दरार ने। रैलियों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, कहा नवजोत कौर सिद्धू ने। वार्ड नंबर 14 में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी द्वारा गलियां बनाने का किया गया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। अमृतसर में चल रहे पाइटेक्स 2015 में भाग लेने पहुंचे पाकिस्तानी चैंबर के अधिकारियों और लोगों के मुताबिक भारत तथा पाकिस्तान के बीच हो रहे कारोबार से दोनों मुल्कों के रिश्तों पर पड़ी दुश्मनी की बर्फ काफी कम हुई है, और यदि ऐसे ही कारोबार चलता रहा तो जल्द ही दोनों मुल्कों की कड़वाहट भी कम हो जाएगी। वहीं श्रीलंका में दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट मैच की संभावित लीक के बारे में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर कारोबार और सभ्याचार से दोनों मुल्कों के रिश्तों में सुधार आ रहा है, तो दूसरी ओर क्रिकेट मैच से भी काफी फायदा होगा। शाहिद सर, अच्छा था एग्जीबिशन, अच्छी एक्सपीरियंस है और उम्मीद है कि नेक्स्ट भी आएंगे। तो ये कि लोगों का रुझान भी अच्छा है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं और लोगों में क्रेज़ है पाकिस्तानी मसनूआत खरीदने का। अभी हमने भी पाकिस्तान में लाहौर में एक्सपो किया हुआ था, जिसमें इंडियन स्टॉल, बांग्लादेश के स्टॉल गए थे, वो भी बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, अच्छा रिस्पांस मिला उनको, और होप मजीद भी अच्छा होगा। ये ट्रेड के जरिए और भी अच्छा होना चाहिए। जी मैं इसे तकरीबन 8-9 साल से आ रहा हूँ इंडिया, तो अच्छा लग रहा है। बस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो नहीं रही, अल्लाह का शुक्र है, सब बराबर चल रहा है। अच्छी बात है, क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी तो अच्छी है, इससे मजीद ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। मैच तो लाजमी भाई, वो तो पूरा दुनिया देखना चाहती है, ये सिर्फ हम नहीं कि आप या पाकिस्तान इंडिया वाले, पूरी दुनिया देखना चाहती है पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए। हमारे में कोई ऐसा फर्क नहीं है, जहाँ आपकी लैंग्वेज है या हमारी लैंग्वेज है, एक है और किसी चीज की फर्क नहीं है। और हमें ये सबसे बड़ा ये है कि आप लोग हमारे साथ इतना प्यार करते हैं, जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। और कोई मामला कोई किसी से कोई छेड़छड़ी या नहीं है, हम आते हैं बॉर्डर से, हमारे साथ इतना प्यार करते हैं लोग, इतनी मोहब्बत करते हैं, और इतना ज्यादा इतना भी जितना हम तो यही आते हैं, जब पाकिस्तान से आते हैं हमें यही पता लगता है कि हम अपने देश में बैठे हुए हैं। उसमें उसके बारे में हम यही कहेंगे कि मैं खुद आप बहुत शौकीन हूँ ये क्रिकेट देखने का, और इंडिया और पाकिस्तान का ये मैच हो रहा है तो ये तो बड़ा अच्छा होगा। हम तो यही कहते हैं एक दूसरे के देश में हो तो सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। इसकी मोहब्बत जो है ना, इससे आपके देश में हो या हमारे देश में हो, वो मोहब्बत ज्यादा बढ़ेगी। अब हम तीसरे मुल्क में जाए खेलेंगे, वो थोड़ा सा जरा थोड़ी सी होती है, लेकिन ये हम यही चाहते हैं कि एक दोनों का ये एक मोहब्बत हो जाए। बाबा दीप सिंह एवेन्यू में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी ने 20 लाख की लागत से तैयार हुए सीवरेज का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी का बाबा दीप सिंह एवेन्यू के निवासियों द्वारा तहे दिल से धन्यवाद किया गया। 3 साल पहले मैं इस एरिया च आया सी, तुहाडे कोल वोट लई सी ते अपना काम शुरू कीता सी। मैं ते 3.5 साल पहले आया, सामने मेन रोड 4 लेन बन गई, दूर तक लाइटां दिखदियां करन, बहुत मेहनत दे नाल फतेहगढ़ चूड़ियां रोड मेन रतन सिंह चौंक चो लग के अपने हल्के तो अगला पिंड पहुंचा के। मेरा नाम रणजीत सिंह राजू, बाबा दीप सिंह, मैं डिजिटल प्रेजिडेंट हाँ एस सी मोर्चे का। तो साढ़े मंत्री साहब अनिल जोशी जी जे अमृतसर के जरनैल आ, इन्होंने वादा किया कि असी एक भी गली जी कच्ची रहन का सिर पावे, सारे इलाके सिर सारे पैन लगे आ, मंत्री साहब घट करता आ, तो साढ़े घर तो घट 20-25 लाख रुपए का काम हो लगा आ। ठीक है, तो मंत्री साहब बहुत धन्यवादी हैं कि जो साढ़े इलाके का काम हो लगा, बड़े MLA आए आ जिन्हें साडा काम नहीं किया, अनिल जोशी जी आ जिन्हें साडा काम किया, अमृतसर के माझे के जरनैल हैं। पंजाब खेत मजदूर सभा की तरफ से अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तरनतारन में धरना लगाया गया, जिस बारे जानकारी देते सुबह सत्र सरदार हरदेव सिंह अर्शी ने कहा कि हम पंजाब सरकार से मांग करते हैं कि मनरेगा स्कीम को और बेहतर किया जाए और ये स्कीम लगातार चलती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन 250 से बढ़ाकर 3000 रुपए तक की जाए, साथ ही कहा कि हमारी मांग है कि सरकार गरीब परिवार की बेहतरी के लिए बड़े प्रयास करे। इस मौके पर जोगिंदर सिंह, सुखदेव सिंह आदि मौजूद थे। पंजाब खेत मजदूर सभा वालों इत्थे तरन तारण दे विच लगाया गया है। ये धरना असल कला तरन तारण दे विच ही नहीं, सारे हिंदुस्तान दे विच ही
खेत मजदूर सभा वालों अपन मंगा वास्ते रोस दिन मनाया जा रहा है। असी रोस दिन बाबा अंबेडकर जिहड़े आ साडे संविधान के निर्माता उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पर दिता है। असी इस धरने के राही जोरदार तरीके मंग की है कि मनरेगा स्कीम नूं कमजोर ना किया जाए, ये फंड्स पहला नालों बधाए जाण और जिहड़ियां कम दियां दिहाड़ियां वो 100 की बजाय 200 दिन कीतियां जाण और जिहड़ी दिहाड़ी है उहनूं घट्टो घट 500 रुपया की जाए। दूजी मंग असी इस की है धरने के विच कि जिहड़े बेघरे मजदूर है पेंडू मजदूर है उहनां घट्टो घट 10 मरले के जिहड़े प्लाट है वह सरकार अपने वल्लों जिथे पंचायत की जमीन है पंचायत वल्लों जिथे नहीं पंचायत की जमीन उथे सरकार आप खरीद के उन्हां बेघरा लोगों प्लाट देवे और 3 लाख रुपया ग्रांट दिती जाए मकान बनाने वास्ते। तीसरी मंग असी ये की है कि जिहड़ी विधवा बुढ़ापा पेनशन है 250 ये इस महंगाई च गुजारा नहीं हो सकता, इनू घट्टो घट 3000 रुपया महीना जिहड़ी आ कीती जाए। खेत मजदूरां ते समाजी जबर बंद होवे, इन्हां दी पढ़ाई दा इन्हां दे रुजगार दा इन्हां दे इलाज दा पूरी जिम्मेवारी जिहड़ी आ सरकार चुके। पंजाब में हो रही सद्भावना रैलियों को देखते हुए अमृतसर के CPS डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पिछले दिनों कहा था कि ये सब बेफजूल है और दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने तरन तारण में मैडम सिद्धू को ये बोलकर शांत किया था कि अगर आप हमारी रैलियों में नहीं आना चाहते तो बेशक ना आए तथा इस बात को बेफजूल बताया था। वहीं डॉक्टर सिद्धू ने कहा कि अगर ये बात बेफजूल है तो किसानों की खुदकुशी के जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से आप जो रैली कर रहे हो वो सब कुछ फालतू है। कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री खुद किसान हैं और उन्होंने सभी किसानों को बिजली माफ की हुई है। उनके मुताबिक जो लोग अकाली दल के साथ हैं उनको रैली में बुलाकर मुख्यमंत्री कौन सी सद्भावना दिखा रहे हैं। कांदे हक दिया जड़िया गल्ला ने या जड़े हल्के दिया प्रॉब्लम्स ने वो फालतू हैं तो फिर वो लोगों आप ही जवाब दे दें कि फालतू किनू समझदे हो। ये आंसर जवाब उन्हां कोल ही है क्योंकि मैनू नहीं लगता कि असी जे लीडर चुने गए हैं तो लोगों के मसलियां दी फाइलां लेके जे जाने हैं तो वह कितने फालतू सवाल है। मेरे हिसाब नाल वह चीज़ां फालतू हैं जिथे तुसी पैसे खर्च करके फालतू दे विच लोगों नू कट्ठे करके वड्डियां वड्डियां रैलियां कर रहे हो जिदे नाल कोई फायदा नहीं हो रहा पंजाब दे लोगों नू। फार्मर्स तैयार हैं, टीचर्स तैयार हैं, सारी दुनिया तैयार है इत्थे प्रोटेस्ट करन नू। रैलियां खत्म कर लोगे फिर सड़कां ते आ जाएंगे फिर की फायदा। पहले जाके उन्होंने एड्रेस कर लो, उन्होंने गल्लां सुन लो की शो करना चाह रहे हो है ना। आपस के बंदियां नू कट्ठे करके ये वाली इलेक्शन दे टाइम दे कम हुंदे हैं भी जदों इलेक्शन तुसी माहौल बनाना होवे। हुण कोई माहौल किते नहीं हो रहा, कोई हिंदू सिख किसी मुसलमान किसी की लड़ाई नहीं हो रही, असी सारे एक पंजाब एक ही रहेगा। पहला बहुत बार पॉलिटिशियंस ने इन्हां नू वख-वख करन दी कोशिश की है, लोग सियाने हो चुके हैं, बिल्कुल दो फंड नहीं होंगे एंड सारे पंजाब का विकास चाहते हैं। सारे चाहते हैं कि जेडे साडे मसले हैं, रोज दो दो फार्मर्स तीन तीन फार्मर्स मर रहे हैं, मेरी जान निकलती है, मैं अखबार खोलती हाँ सवेरे इको ही गल असी देखते हैं कि फार्मर्स एक उधर सुसाइड कर लिया। उ कौन जिम्मेवार है जे सिटिंग सरकार नहीं जिम्मेवार तो कौन जिम्मेवार है, कौन आके बचाएगा, कौन एक उन्होंने देगा विश्वास देगा कि तुसी सुसाइड ना करो असी थोड़े नाल खड़े हाँ। वो बंदियां दे घर च रोटी नहीं, तुसी कहने हो तुसी प्रो फार्मर्स हो है ना, तुसी खेती दा बहुत ख्याल रख रहे हो, फार्मर्स दा फ्री बिजली दे रहे हो, तो जेड़े फार्मर्स मर रहे हैं जेड़े डेट च है उन्होंने डेट दूर करो, दूर उन्होंने घर च रोटी बचाओ ताकि वह मरन ना। सो उन्होंने जेड़ा चढ़िया होया कर्जा उन्होंने माफ करो, उन्हों प्रोटेक्ट करो संभालो। ये हुंदा है जे कोई चंगा लीडर होवे उहदी पहचान ये हुंदी है कि दुख दर्द नब्ज़ समझे पंजाब दी ते जिहड़े लोकां नूं तकलीफ है उन्हां नूं सॉल्व करे रादर दैन स्टेजां ते चढ़ के इकट्ठे हो के लोग इकट्ठे करके खुश हो ते उहदे नाल कुछ नहीं मिलता। जे तुसीं 19 बंदे गिनने हैं जिहड़े माहौल जिहड़े आ रहे हैं तां फिर 19 गिनती गिन लो क्योंकि जिहड़ी बाकी गिनती है पंजाब दी शायद उह बहुत ज़्यादा वड्डी है। जेड़े नहीं उत्थे पहुंच रहे उन्हां दी गिनती कितने ज्यादा वड्डी है ते जे उन्हां नूं पुछ लो ते ओह मनन नूं तैयार होण। ये गल मनन नूं तैयार आ, ये गल उदों ढुकवीं बैठदी है जे आम बंदे इकट्ठे होके थोनू इन्नियां रैलियां करके फिर बुलान भी आओ जी थोड़े तो किन्ने खुश हो अज असीं थोड़ी वाह वाह करिए करके सरकारी मशीनरी यूज करके लोगों नूं उत्थे इकट्ठे करके दिखाओ कि ये साडी ताकत है। वो थोड़ी ताकत है, वो रहनी है, वो जिहड़ा कट्टर अकाली दल है वो थोड़ा दल हैगा पर जिहड़े बाकी पंजाब है उहनूं किवें संभालोगे, उहनूं खुश करो ताकि वो सारा पंजाब थोड़े नाल रले। हर बंदे देखो हर पार्टी का
अपना एक मुद्दा है, हर एक नू डेमोक्रेसी है, हर एक नू राइट है कि आके अपना मुद्दा रखे। मैं थोनू ओही कह पहला, जेड़ा इंसान ज्यादा अच्छा मुद्दा रख पाएगा, जेड़ा इंसान अपने आप नू प्रोजेक्ट कर पाएगा कि मैं पंजाब नू इस चों किवें कढूंगा बाहर, यू नो एजेंट किवें लेके जाऊंगा, सो लोग उन्हें फॉलो करेंगे। लोग अजकल बहुत सियाने हो गए हैं, जेड़े रैलियां च भी पहुंचते हैं वो भी कई बार थोड़े नाल नहीं होंगे, थोड़ा वोटिंग पार नहीं होंगे, वोटिंग पार सड़कों से पता चलता है। जो सड़कों जाओ, छोटे लोगों इंटरैक्ट करो, एसोसीएशन नाल इंटरैक्ट करो, जो थोड़े नाल खुश होंगी है तो तुम समझो कि वो थोड़ी ताकत है। ना डिपेंड्स कि वह आके अपना की मुद्दा रखता है तो लोग किन्ने संतुष्ट होंगे, सो वो तो आने वाला समय ही दसेगा। आज पंजाब के ठेकाधार नर्सिंग और पैरामेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से कालामाला चौक के नजदीक अपनी हक की मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते उन्होंने सड़क जाम कर दी। इस दौरान ठेका भर्ती मुलाजिमों की यूनियन प्रधान अजीत पाल कौर ने बताया कि पिछले 4 महीनों से मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और सरकार की तरफ से ठेके पर रखे मुलाजिमों को पक्का नहीं किया जा रहा है, जिस संबंधी आज सड़कों पर उतर कर रोष प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे ना मानी गई तो इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। इस मौके पर तहसीलदार ने माक मंत्र लेकर आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इस दौरान आने जाने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पंजाब सरकार दे नाल ने साडे नाल हमेशा वादे किए, 3-3 साल दीआं पॉलिसियां देख के सरकार अपनियां पॉलिसियां तो मुनकर गई है। उस तो बाद सरकार ने साडे वास्ते हुण तक कुछ नहीं किया, 6-6 साल हो गए है। जिहड़ियां स्टाफ नर्सिज ने उन्होंने ठेके दे उत्ते रख के उन्हां दा शोषण किया जा रहा वा, उन्होंने पूरा जिहड़ा वा काम कर लैंदे ने सरकार साडे कोल जिहड़े होस्पिटल विच, पर जिहड़ियां 3-3 शिफ्टां विच साडियां स्टाफ नर्सिज काम करदियां पईआं, हुण तक सरकार ने उन्हां वास्ते कुछ नहीं किया। 6-6 साल हो गए इन्हां नूं उत्थे होस्पिटल विच धक्के खांदे, अज तक किसी ने रेगुलाइजेशन संबंधी कोई मुद्दा नहीं चुकया गया। इत्थों तक भी साडियां जिहड़ियां तनखाहां ने ओह भी साडियां 4-4 महीने तक रोक के रखियां जांदियां, कि कदी बजट दा बहाना ला दिंदे आ वी बजट रिलीज़ नहीं होया। इसे करके असीं सड़कां ते अज बैठे आ, क्योंकि साडे जिहड़े बच्चे ने भुखे मरन दे आ, ते पंजाब सरकार दी इह सानूं देण आ कि असीं अज सड़कां ते रुलण दे आ। सरकार साडी पुरजोर अपील नूं इस नूं मन्ने ते छेती तों छेती साडियां रेगुलाइजेशन संबंधी जिहड़ियां मंगां ने उन्हां नूं पूरा करे। मैडम आवाज जे नर्सिंग है ना, इन्हां दी आवाज दिसा तक मोरेंडम अज अं पहुंचा देंगे, तो उन्होंने कहेंगे छोटी दवाने अं भी इन्हों का जरा मसला जरूर हल हो जाएगा, जो भी इन्होंने अपनी डिमांड में लिखी हैं वह मसला जरूर दिसा तो अं हल करा देंगे। थैंक यू। हाँ जी सर, एक ही मामला जिहड़ा इन्हां दीआं डिमांड्स ने नर्सां दीआं। वार्ड नंबर 14 में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी के द्वारा मजीठा रोड तुंगबाला पर काउंसलर डॉक्टर सुभाष पप्पू की अध्यक्षता में मंदिर वाली गली और गुरुद्वारे वाली गली बनाने का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष पप्पू ने श्री जोशी का तहे दिल से धन्यवाद किया। मान योग मंत्री माता जी के मंदिर आए ने, जिन्हों का असी जिया आखते हाँ, बाकी इन्होंने साडे इलाके की बहुत ही सेवा की है, जो साडा फर्ज करता है असी भी इन्हों के नाल मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के तुरंगे। अज असी मंदिर से प्रण करते हाँ, जो भी इलेक्शन आवे असी दिलों इन्हों वोटा पावे, और मैं इन्हों का बहुत बहुत ऋणी हाँ, धनवादी हाँ, जो एक मेहनती शख्स जो सानू मिले, अज 69 साल बाद योजा सानू मंत्री मिलया है। इस तो पहला पता नहीं 10-15 मंत्री आए, मैं उन्हों का ना नहीं दस सकता, बहुत ही आए जिहड़े वोटां ला के मुड़ के आउंदे नहीं। असी इन्हां नूं बहुत जीआं आखदे हाँ और सलाघा करदे हां इन्हां दे कम्मां दी, बहुत ही इन्हां ने वधिया साडे इलाके विच एक लारेंस रोड वर्गे रणजीत एवन वर्गे बाजार बनाए ने, मैं इन्हां नूं जीआं आखदा धन्नवाद। अज वार्ड नंबर 14 दे विच साडे माननयोग मंत्री अनिल जोशी जी ने अज सीसी फ्लोरिंग गलियां दा उद्घाटन कीता वा, तो सब तो पुराना जिहड़ा इतिहासिक मंदिर गुरुद्वारा सीगा बीबी रजनी का, वो गली शुरू की है। उस तो बाद मंदिर वाली गली शुरू की है, जिड़ी कि पुरानी ही गली, और अब तो मेरे ख्याल 60 साल पहला इस इलाके का कोई विकास नहीं होया। अज सारे ही महल वाले मंत्री साहब के कामों तो बेहद खुश ने, अज उन्होंने प्रण किया वा कि चाहे कोई भी पार्टी कोई भी नुमाइंदा 2017 कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से इस लूट को अंजाम दिया गया।
दरअसल इस लूट को घर में काम करने वाली नौकरानी निशा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। शिकायतकर्ता के मुताबिक दोपहर के समय जब वह अकेली थी तब उसके घर में चार अज्ञात लोग आए और उसको बंधक बनाकर घर में पड़े गहने और नकदी को लूटा गया। इस संबंधी ACP पुलिस सरदार गुरप्रीत सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि लूटे हुए बेशकीमती गहने आरोपियों से बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही इन आरोपियों ने पहले किसी वारदात को अंजाम दिया है या नहीं, इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। मिति 5/12/15 ग्रीन एवेन्यू कोठी नंबर 47 दे विच दोपहर 2:30 बजे चार नकाबपोश व्यक्ति दाखिल होए ते जिन्हां व्यक्तियों ने उस घर की मालकन कवलजीत कौर अते दो नौकरानियां बिमला अते निशा नूं बंधक बना के ते घर दे विचों लुट्टे दी वारदात नूं अंजाम दिता सी, जिस दे चलदिआं मुकदमा नंबर 429 मिति 5/12/15 अधीन धारा 392/34 IPC थाना सिविल लाइन विखे दर्ज रजिस्टर किया गया, जो माननयोग श्री कमिश्नर साहिब सरदार जतेंद्र सिंह जी औलख और ADCP श्री गौरव गर्ग जी, इन्हों जी दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस ने अपनी तफतीश के दौरान ये गल सामने आई है कि जो इस घर के जो निशा जो कि इस घर नौकरानी का काम करती सी उसके वलों ही सारी ये मास्टरमाइंड उसके वलों ही तैयार किया गया सी। तो निशा ने ही अपने दोस्तों इस समय के दौरान घर के बुलाया गया तो सारी वारदात को अंजाम दिता गया, जो इस दौरान असी निशा बाद पुछगिछ गिरफ्तार कर लिया है। तो उस निशा वालों दो जो चार नौजवान दोषियों के नाम दसे ने उन्होंने असी दो दोषी जिहड़े गिरफ्तार कर ले ने, जिन्हां दे विचों एक दा नाम वरिंदर सिंह उर्फ सन्नी है ते दूसरे दा नाम गुरिंदर सिंह उर्फ डिंपा, जो इन्हां को गिरफ्तारी तो बाद इन्हां कोलों निशानदेही दे उपर इन्हां कोलों असी सोने दे जेवरात जिहड़े बरामद कर ले ने, ते दूसरे दो दोषी जिहड़े अजे साडी उन्हां नूं असी जल्द गिरफ्तार कर लवांगे। उन्हां दा नाम हैगे अजय पुत्र मुख्तियार सिंह ते भिल्ला पुत्र चैंचल सिंह वासी वरपाल। ये निशा दा दोस्त ਇਹਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਵਾਸੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਕਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜੇਵਰਾਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਪਰ। व्यापार के बाद अब क्रिकेट से भी कम होगी दोनों देशों की कड़वाहट, कहा मोहम्मद इरफान तरार ने। रैलियों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, कहा नवजोत कौर सिद्धू ने। वार्ड नंबर 14 में कैबिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी द्वारा गलियां बनाने का किया गया उद्घाटन। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त।